हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। लास्ट ईयर सबने बहुत सारी डिशेस ट्राई की, खूब नई नई चीजें बनाई, समोसा, जलेबी और बहुत कुछ। और उससे क्या हुआ कि सबका वेट बहुत बढ़ा और मेरा भी बहुत बढ़ गया था वेट। हमने भी खूब सारी डिशेस ट्राई की थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन खुला तो मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मेरे मायका और ससुराल दोनों ही रहते हैं। वहां मैं 3 महीने लगा के आई हूँ और वहां पे मैंने खूब खाया। सर्दियां भी थी तो खाने को भी सब अच्छा लगा। तो लेकिन उससे हुआ क्या कि मेरा वेट बढ़ गया। तो अब बढ़ गया है मेरा, तो उसको कम भी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, उसमें मैं सबके साथ मिलके क्यों ना वेट को कम किया जाए। ये देखते हैं कि अब मेरा वेट कितना है। पांच छह किलो मेरा वेट बढ़ा है, लेकिन मुझे कम से कम 10-12 केजी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए जिसमें हम कोशिश करेंगे कि वेट को कैसे कम करें। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैं डाइट करती हूँ तो मैं डबल ही खा लेती हूँ। तो अब कैसे वेट को कम किया जाए। इस बार अब जब लॉकडाउन लगा है तो हमने ये सोचा है कि हम हेल्दी लाइफ जियेंगे। टाइम से उठना, टाइम से सोना एंड टाइम से और अच्छा हेल्दी खाना खाना। तो देखते हैं हम इसको कैसे कम करते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको अपना वेट भी दिखाती रहेंगे। तो आप भी मुझे अपने सजेशन देते रहिए, मैं कोशिश करूंगी उसको अप्लाई करने की। एक बात मैं आप सबसे और बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, कोरोना का टाइम है। सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक जरूरी काम ना हो तो प्लीज बाहर मत निकलो। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क जरूर पहनो। बच्चों को बोलो मास्क पहने, हम भी जब बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने। ये जो टाइम है डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, घर में किसी का भी दिल नहीं लग रहा। लेकिन क्यों ना हम लोग सब मिलके अपनी फैमिली के साथ मिलके टाइम को स्पेंड करें, कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमारा भी दिल लगे, बच्चों का भी दिल लगे, सबका टाइम पास हो अच्छे से और सबका दिल लगे। जैसे कि हम लोग, अब मेरा देख लो वेट बढ़ गया है, तो क्यों ना मैं इसको कोशिश करूं कि मैं अपने वेट को कम करूं। क्यों ना हम लोग घर की सफाई को की जाए, छोटी छोटी जगह को साफ किया जाए, पुराना सामान बाहर निकाला जाए, बच्चों के साथ अगर डांस करने को मन कर रहे हैं तो डांस किया जाए, कुछ नया सीखा जाए। मैंने ये YouTube वीडियो बनाने से पहले मैंने एडिटिंग सीखी है, मैंने कैमरा चलाना सीखा है, मैंने सब कुछ पहले सीखा है। मैं टेंशन लेने की बजाय इसको सीखना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी टेंशन मत लें, इस टाइम को कैसे भी अच्छे से पार कर जाएं। आएगा बहुत जल्द, अच्छा वक्त भी आएगा। मैंने अपनी YouTube पहली जो भी YouTube डाली है उसमें मैंने बच्चों के साथ डांस किया है, डांस सीखा है और उसको बहुत अच्छे से किया है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप भी अपना टाइम बहुत अच्छे से बिताएं। मैंने बच्चों के साथ डांस किया है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, प्लीज आप जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। थैंक यू।